अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज जो है ना सेकेंड डे है। कल हम आए थे आफ्टरनून के टाइम पे, 1:30 तक तो हम घर पहुंच गए थे। और उसके बाद जो है ना, यू नो, जब ट्रैवलिंग होती है ना तो कुछ बात समझ में नहीं आती, और दिमाग जो है ना ऐसा होता है ना कि कोई बात समझ में आती नहीं, और सर में दर्द भी होता है। तो इसलिए जो है ना कल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, बस वही जो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया था एयरपोर्ट का, और बस उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग की नहीं है। और आज जो है सेकेंड डे है, और आज भी कल से मेरा सर में दर्द था, आज भी दर्द था, और एक दर्द था भी, और उसके साथ जो है ना थोड़ा सा सर में बोझ की तरह, क्या कहते हैं, हेवी था सर। सो बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ हूँ, पाकिस्तान में हूँ या मैं यहीं आ गई हूँ, क्योंकि अचानक से यू नो जब ट्रैवलिंग और पैकिंग सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, और जो पाकिस्तान में लास्ट वीक गुजरा था बहुत बिजी गुजरा था ना, तो बस इस तरह से दिमाग जो है ना नॉर्मल पे नहीं आ रहा था। एनीवे तो फिर जो है ना आज भी मेरे सर में कुछ बोझ सी फीलिंग थी, और आज मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। तो और जो बैग हम कल लेकर आए थे उसको भी अनपैक करना है। कल मैंने कुछ भी अनपैक नहीं किया था, बस आके वो बैग रख दिए थे, और फिर जो है ना मैं सो गई थी। आई गेस कौन सा टाइम था, मैं सो गई थी 3 को दिन के टाइम पे, और रात को जो है ना मैं 3 बजे उठी थी, और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रात के 10 बजे थे या 11। पर जब मैंने मोबाइल चेक किया था ना टाइम का, तो फिर पता चले कि थी रात के 3 है। आई एम रियली शॉक्ड, क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी ना, तो फिर मुझे टाइम का भी पता नहीं चला, और बस दिन भी आधा चला गया था और सारी रात भी चली गई थी। और अपनी नींद जो है ना वो मैंने पूरी की है, जो मैंने 2 रातें नहीं सोई थी ना, बस वही मैंने पूरी कर ली। और इस तरह का गुजरा था मेरा फर्स्ट डे ट्रेवलिंग का। आज जो है सुबह का टाइम है अभी, और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जो क्या कहते हैं मिक्सचर होता है ऑनियन टमेटोज और एग का, बस वो मैं बना रही हूँ। उसके साथ में चाय भी बना रही हूँ, और यहाँ रोशनी इतनी ज़्यादा है ना कि बिल्कुल चाय कुछ ज़्यादा वाइटिश है, उस पर रोशनी आ रही है। सो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही लाइट थी। एनीवे तो यहाँ जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसके बाद जो है मैं अनपैक करूँगी बैग्स को, और यहाँ जो है बस सामान ऐसे रखे हुए जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, पूरा रूम जो है ना ऐसे फैला हुआ है। आगे भी बैग रखी हुई, बैग साइड पे भी एक बैग रखा हुआ है। तो अभी जो है मैं सारा ये सेट करूँगी, उसके बाद जो है ना थोड़ा से घर की सफाई भी होगी, क्योंकि उसके बगैर जो है ना मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर जो है ना वो मैंने सारा काम कर लिया था, अभी हुआ था शाम का टाइम, और अभी जो है मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। दिन को जो है ना मैंने काम करके फिर दोबारा आराम किया था, और अभी जो है हुआ था शाम का टाइम असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं बैठ गई थी, जो वीडियो मुझे अपलोड करनी थी उसकी एडिटिंग करनी है। और मैं अभी वीडियो जो फर्स्ट डे है ना उसकी एडिटिंग कर रही हूँ, पर मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, दर्द इस तरह नहीं है लेकिन बोझ की तरह फील हो रहा है सर में। और बस अभी जो है ना भाभी गई है चाय बनाने के लिए, सो मैं वीडियो एडिट कर रही थी, सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ शाम की भी। और मैंने असर की नमाज पढ़ ली है, अभी बस ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आया कैसे एडिट करूं, क्योंकि थोड़ा सा सर में भी दर्द है, और उसके अलावा जो है ना इस व्लॉग से पहले अभी 4 व्लॉग हैं जो मैंने वो अपलोड नहीं किए, उसकी वॉइस ओवर करने, क्योंकि 3-4 दिन ऐसे में बिज़ी थी ना यहाँ आने से पहले कि मैंने कोई भी क्या कहते हैं वॉइस ओवर वगैरह नहीं किया था, और वो वीडियोज़ ऐसे ही रह गई। अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं पहले अपलोड करूँ या फिर पहले वो वाली कर लूँ, उससे क्या करती हूँ अभी। बस इसको मैं एडिट कर लूँ कि मैं रात तक अपलोड कर लूँ इसको, इसके अलग पर रख देती हूँ। सो देखती हूँ क्या होता है, अभी शाम का टाइम है। यहाँ जो है ना इस तरह है कि पता नहीं चलता टाइम का कि कब आफ्टरनून का टाइम है कि कब शाम का, क्योंकि यहाँ जो है ना घर ऐसे ही बंद है कि पता नहीं चलता टाइम का। सो बस एनीवे अब जो है मैं ये कम्प्लीट कर लूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ फ्रेश होने के लिए। और जब सर में दर्द होता है और थकावट भी होती है ना, और आपको इस तरह का एक फुल मग चाय का मिल जाए ना,
ये सीन बेस्ट है, मुझे बहुत ही पसंद है ये सीन, जब मेरे हाथ में जो है ना इस तरह का फुल मग चाय का मिल जाए। और उसके साथ जो है ना भाभी ने मुझे दिया था ये केक, ये भी बहुत ही टेस्टी है, और बस थोड़ा सा मैं इसको खा लूँगी चाय के साथ और बस बेस्ट टाइम गुजरेगा। ये जब मैं चाय पीती हूँ ना उसके बाद जो है ना दिमाग ऐसे फ्रेश हो जाता है ना, बस खुल जाता है। एनीवे उसके बाद यहाँ हुआ था रात का टाइम, और यहाँ जो है भाई ने कहा था कि चलो थोड़ी देर के लिए हम बाहर से थोड़े से होके आते हैं। सो मैं उनके साथ जो है ना बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं लेनी, बस शायद भाई को थोड़े से घर के शायद सामान चाहिए, इसलिए हम अभी जा रहे हैं बाहर। और बस अभी आप लोग भी मेरे साथ चलिए, देख रहे कि मैं करती क्या हूँ, क्योंकि पता नहीं कितना वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि सर में जो है ना दर्द है, तो फिर देखती हूँ मैं कितना बोल सकती हूँ। شوف الأطفال هذيك حقت البزورة كرا زب في دي كمان قال في هو ده بقوله ما كلهم مرتبينها بشكل مرة صحيح بس ليش؟ هنا بس صغيرة برضه صغيرة شوف كيف في زيها فضي كمان على ما أظن تم رح يشتريها باكستان لا في انت في محلات ثانية في كبير هذا نفسه هذا دكان صغير هذا في زي هذا دكان كبير يلا ما في شيء في لازم البيت اصلا مسكوك هنا يحتوي السفرات مو كلها بلاستيك هذا كله مسكوك ناصر كاسر 12
انت ما تعرف انه اول شيء شو الاسعار هذه عادتي كلها مكتوب زي كذا और बस इस तरह से हमारा फर्स्ट डे गुजरा था यहाँ। और आज का व्लॉग भी मैं यही एंड कर लेती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।